हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए आज देखते हैं करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आज है 7 अक्टूबर 2020। देखते हैं इसका डेली का करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक और से। क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाएगा? 5 अक्टूबर। हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे, हाल ही में क्या है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? तो इसका क्वेश्चन है 5 अक्टूबर। कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे का अर्थ होता है विश्व पर्यावास दिवस। विश्व हैबिटेट मीन्स पर्यावास, विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर। अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट जो हम लोग मनाते हैं, ये अक्टूबर अक्टूबर जो मंथ है इसके पहले सप्ताह में जो सोमवार आता है तो उस दिन हम लोग जो है इसको मनाते हैं। तो अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। और क्या है इसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट डे का, जो वर्ल्ड वर्ल्ड पर्यावास दिवस में जो होता है इसका क्या है? सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के बुनियादी अधिकार को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब सभी आदमी के जो है बुनियादी पर्यावास, बुनियादी आश्रय मतलब जो रहने का स्थान है या जो उसका आश्रय स्थान है, तो बुनियादी जो आश्रय स्थान हुआ तो उसके बुनियादी अधिकार को, मतलब आश्रय स्थान के अधिकार को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। मतलब रहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मूल रूप से आश्रय रिलेटेड है ये दिवस। तो हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? 5 अक्टूबर, या विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर। और ये अक्टूबर का पहला सप्ताह, पहले भी मनाते हैं हम लोग तो सोमवार को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है? तो ये की है 2 घंटे में। मतलब क्या, हाल ही में जो है रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक किट तैयार किया है जो कि मात्र 2 घंटे में कोविड-19 के जांच का रिजल्ट दे सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय को देखते हुए। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित किया? तो 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में आप कोविड-19 के जांच का, मतलब पूरा अच्छा से जांच करके रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये किसने, ये किट जो ये जो बनाया व्यवस्था किसने? रिलायंस लाइफ साइंसेज ने किया है। ठीक है, और ये जो किट तैयार किया गया है इस कीट को बोलते हैं आर ग्रीन कीट। इस कीट का नाम क्या है? आर ग्रीन कीट। और जो है इसको आर ग्रीन कीट को जो है, ये है आईसीएमआर का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इससे जो है इस किट को मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ बना दिया, ये जो है इससे इसको मान्यता प्राप्त है। तो ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसको मान्यता प्राप्त है। किसको? इस किट को, जो किट बनाया गया है 2 घंटे में जो कोविड-19 का जांच करती है, तो ये आईसीएमआर से भी मान्यता प्राप्त है। आगे नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। ठीक, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया? तो दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इसमें क्या है, अब धीरे धीरे जो है कोहरा का मौसम आने वाला है। तो कोहरा जब बढ़ने लगता है, जब पूरा पूरा कोहरा बढ़ने लगता है, तो उस दौर में धूल धूल कण का भी कुछ न कुछ
कारण होता है उस अंधेरे को बनाए रखने में, जिससे लोगों को चलने में परेशानी होती है, गाड़ी व्हीकल सबको दिक्कत होता है कहीं भी सफर करने में, तो उसके सफाई के लिए या फिर समझिए कि उस पर नियंत्रण के लिए ये दिल्ली सरकार ने क्या बनाया, एक युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया। इस अभियान में जो है आपको कि प्रदूषण के विरुद्ध लोगों को कैसे उसे ये किया जाए, उसी का जो है अभियान चलाया। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुभारंभ किया, तो दिल्ली ने किया। ठीक, पहला ए बी चार्जिंग प्लान, हाँ एक पहला ए बी चार्जिंग प्लान जो भी इसने सोच किया दिल्ली ने, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको चार्ज करने का पहला ए बी इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया। यह भी अच्छा दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे, एक कौन सा है वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट। देखिए तीन वैज्ञानिक है। हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई। मतलब किस क्षेत्र का नोबेल जो है इस तीनों वैज्ञानिक को देने की घोषणा की गई है, तो यह है चिकित्सा का नोबेल। ये क्या है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है इन तीनों वैज्ञानिक को, हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है। और ये दी जाती है हर साल 10 दिसंबर को। नोबेल 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 जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है 10 दिसंबर को, जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है, ये 10 दिसंबर को दी जाती है। और इसमें क्या है कि हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के कारण ये हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और वो किस लिए दिया जाएगा, तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज इन्होंने किया, इसलिए इन दोनों को क्या मिल रहा है, चिकित्सा का नोबेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, किसमें सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, तो ये अफगानिस्तान के प्लेयर, कहाँ के प्लेयर है, अफगानिस्तान। क्या नाम है, नजीब तारकई। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो अफगानी जो है इसकी करेंसी है। ठीक, और अफगानिस्तान के बारे में जान लें, इसका प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ गनी। अशरफ गनी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, अशरफ गनी क्या है, इसके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में भारत ने सीतुवे बंदरगाह, हाल ही में भारत ने सीतुवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की, तो ये किया गया है म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार के साथ। हाल ही में भारत ने सीतुवे बंदरगाह, हाल ही में भारत ने सीतुवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है, तो ये किया है म्यांमार के साथ। ठीक, म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी आपका ये मेसिटो। ठीक, म्यांमार की राजधानी, और म्यांमार की मुद्रा क्या है, बर्मिस। बर्मिस यहाँ करेंसी क्या है, बर्मिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंट। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंट, म्यांमार के प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, तो ये किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, तो ये चीन ने किया है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, और मुद्रा क्या है, रेन मेन बी। रेन मेन बी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। और चीन का जो प्रेसिडेंट है कौन है, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग। ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, चीन के। तो एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किसने की है, चीन ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च
डले सुर्खिनी, डले खुरसिनी, डले खुरसिनी, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को GI टैग मिला है? क्या मिला है? GI टैग मिला है। तो ये कहाँ का मिर्च है? सिक्किम का। कहाँ का? सिक्किम का। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को GI टैग मिला है? तो ये सिक्किम के मिर्च को मिला है। कहा जा रहा है कि भारत में जितने भी प्रकार की, जितने भी तरह के मिर्च है, उसमें से सबसे तीखी मिर्च की संज्ञा मिली है किसको? डले खुरसनी को, जो जिसको GI टैग मिला है। और ये कहाँ मशहूर है, कहाँ पैदा होती है? सिक्किम में। तो हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसनी को GI टैग मिला है? तो सिक्किम को मिला है, जो बहुत ही तीखी है। ठीक। और सिक्किम आ गए हम लोग सिक्किम पर। तो सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और सिक्किम की सिक्किम का सीएम कौन है? सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम है। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। यहाँ गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा के तट पर किया गया है। ऐसे ये जो है उड़ीसा के तट पर इसका स्मार्ट, हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक। ठीक, स्मार्ट प्रणाली। हाँ, हाल ही में भारत में स्मार्ट प्रणाली का क्या हुआ? सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपर सोनिक असिस्टेंट रिलीज, सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये हो गया स्मार्ट। ठीक, स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर किया गया है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। ठीक, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? नवीन सिसोदिया जी ने। नवीन सिसोदिया क्या है? दिल्ली के डिप्टी सीएम है। दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। तो इन्होंने जो है हाल ही में कौन सा बुक, बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला, 100% इंडियन एयरलाइंस की बात हो रही है। हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? पुडुचेरी हवाई अड्डा। हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। मतलब 100% फुल इसमें जो है, तो पूरा इलेक्ट्रिक का काम किससे हो रहा है? सिर्फ सौर ऊर्जा से, 100% सौर सिस्टम से काम चल रहा है। हाल ही में इंडियन एयरलाइंस का जो है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? पुडुचेरी। बता दें पुडुचेरी में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। पुडुचेरी में कितने जिला हैं? 4 जिले हैं। इसकी राजधानी, पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। और यहाँ के सीएम कौन है? नारायण स्वामी। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नारायण स्वामी। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? किरण बेदी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया?
ये शुभारंभ किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया? तो हरियाणा में। देखिए ये जो डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन ये जो चलाया गया है, ये एक मूल तौर पर कहा जा सकता है तो यह जो है एक मॉनिटरिंग करने वाली व्यवस्था है कि हमारे जैसे ये मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने लॉन्च किया इसको। इसमें है क्या कि जैसे हम एक जगह बैठ करके अपने पूरे जो अपना गांव है, अपने स्टेट में जितना गांव है, तो उसका उसका निरीक्षण हम बैठ करके कर सकते हैं आराम से। कुल 6,197 गाँव है हरियाणा में, 6,197 इतने गाँवों को बैठ कर डिजिटलाइजेशन इसको देखना, मतलब इसके इसके बारे में देखना कि किस गांव में किस पंचायत में क्या क्या काम हुआ, इसको डिजिटल तरीके से बैठकर देखना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन, तो इसी इसी को जो बैठ के देखने, मेरा क्या क्या काम चला, मेरे किस ग्राम में क्या हुआ क्या चला, तो इसको देखने के लिए जो ग्राम दर्शन शुभारंभ किया तो ये कहाँ किया गया? हरियाणा में। ठीक, तो यही हो गया ग्राम दर्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.S. दवे, पूर्व न्यायाधीश A.S. दवे का निधन हुआ? तो ये गुजरात के थे। ये कहाँ के थे? गुजरात के। हाल ही में किस राज्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.S. दवे का निधन हुआ? वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक, गुजरात, मनोहर लाल, सॉरी, हाँ गुजरात के थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? ये किया गया है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप लोग जानते हैं SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, दिल्ली। ठीक, तो हाल ही में दिनेश कुमार खारा जो है SBI के क्या बन गए हैं? नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो SBI का। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को, लगभग कितने, 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान, 1,000 करोड़ का भुगतान किया है? तो ये किया है चावल पर, किस पर? चावल के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए, किस खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान किया गया है? तो ये चावल की खरीद के लिए भुगतान किया है। ठीक, एक क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी क्वेश्चन थी। हाल ही में किस राज्य के मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को GI टैग मिला है? सिक्किम को। ये मिर्च जो है सिक्किम की सबसे, सिक्किम नहीं कहा जाए, पूरे भारत की सबसे तीखी मिर्च है। और इसकी कीमत भी अगर कहा दिया जाए कभी कभी, इसकी कीमत है 480 रुपया पर केजी। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉस्टली है। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को GI टैग मिला सिक्किम को, ये लगभग जो है 480 रुपया प्रति केजी है। तो ये था आज तक का, आज का हमारा करंट अफेयर्स 7 अक्टूबर का। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।